नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका गोपाल। हमारा किचन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मटन दाल चाय। तो मटन दाल चाय कैसा बनाते हैं अब हम दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। दोस्तों मटन दाल चाय के लिए देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिया है 5 किलो मटन करी का, और ये देख रहे लौकी, और ये है चना दाल। तो ये चना दाल को हमने पानी डाल के मिनिमम 1 घंटा के लिए सोक कर देते हैं। तो दोस्तों दाल चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम मटन को यखनी स्टाइल में बॉईल कर लेते हैं। आप लोग चाहे तो प्रेशर कुकर में मसाला डाल के बॉईल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक बर्तन में मटन को अच्छा से यखनी स्टाइल में बॉईल कर लिया। बॉईल करने के लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे, ये देख रहे हैं मस्टर्ड ऑयल है हमारा। ये ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सारे ऑल इंडियन स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे ये देखिए, और इस ऑनियन को हमें अच्छे से ब्राउन कर लेना है। और दोस्तों देख रहे हमारा ऑनियन लिटिली ब्राउन होने आ गया। अब हम इसमें ऐड करते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये जिंजर गार्लिक को अच्छा से ब्राउन कर लेंगे। ये जिंजर गार्लिक ऑनियन अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करते हैं मटन। तो इसको मटन ऐड करके हम इसे अच्छा से, तो दोस्तों हमारा ये मटन टॉस हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर, सॉल्ट, चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, और इसको अच्छा से मसाला के साथ मिलाने के बाद हम लोग पानी डाल के इसको बॉईल करते हैं। इसमें ऐड करते हैं वाटर और इसको बॉईल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं मैंने हमारा जो दाल है इसको सोक करने के बाद यहाँ पर बॉईल कर लिया है, और अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर। तो दोस्तों हमारा ये दाल बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें दाल पे ऐड कर लेंगे ये जो लौकी है, देख रहे हैं आप लोग, ये लौकी को अब हम दाल का साथ में ही बॉईल कर लेंगे। तो लौकी को दाल का साथ में अच्छा से बॉईल कर लेंगे इसको। आप लोग चाहे तो इसको सेपरेटली बॉईल कर सकते हैं। और दोस्तों गोश्त दाल चाय के लिए आप लोग देख रहे हैं मटन बॉईल कर लिया मैंने, और दाल के साथ जो लौकी होता है उसको भी मैंने बॉईल करके रख लिया। ये देख रहे हैं हमारा मटन अच्छा तरीका से बॉईल हो चुका है। मैंने दाल और लौकी ये दोनों को अच्छा से बॉईल कर लिया, और ये दोनों अच्छा से दाल भी अच्छा से मैश हो चुका है, और इसका बॉईल तैयार है। अब दोस्तों तड़के के लिए हमने सबसे पहले ऐड करेंगे ये देख रहे घी, और घी के बाद ऐड करेंगे ये देख रहे ऑल गरम मसाला है, ब्लैक पेपर, इलायची, लौंग, पट्टा, स्टार, और ये देख रहे रेड चिली। अब हम ऐड करेंगे ये देखिए जीरा सी, और अब ऐड करेंगे जिंजर चॉप, गार्लिक चॉप, ग्रीन चिल्ली चॉप। तो ये जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिल्ली हम तीनों ऐड करेंगे, और इसको अच्छा से ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करते हैं ऑनियन, और इसको अच्छा से ब्राउन कर लेंगे। हमारा ऑनियन ब्राउन होने आया, तो ऑनियन ब्राउन होने के बाद हम ऐड करेंगे ये देखिए टोमेटो। तो दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। तो आप लोग थोड़ा देख के ध्यान करके ऐड कीजिए, क्योंकि मटन बॉईल करने का टाइम पे हमने ऐड किया था सॉल्ट, और ऐड करेंगे थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर,
थोड़ा सा चिल्ली पाउडर, यह है रोस्टेड जीरा पाउडर। दोस्तों आप लोग घर में होममेड जीरा पाउडर यूज करेंगे तो टेस्ट और भी अच्छा होगा। और आप हम ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और इस मसाला को अच्छा से भून लेंगे। हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा वाटर, तो इसमें मसाला जलता नहीं है। मसाला डालने का टाइम आप लोग बाटी में थोड़ा पानी रख लीजिए, जब मसाला डालेंगे संगे संग पानी ऐड कर दीजिए तो मसाला जलेगा और इसको अच्छा से पका लेंगे। तो दोस्तों मसाला पक के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये आप लोग देख रहे टैमरिंड वाटर। आपको इमली में इमली को लेके पानी में भिगो के ऐसा प्यूरी निकल लेना है, तो ये है टैमरिंड प्यूरी। अब इसको इस मसाला को अच्छा से पकाएंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा ये मसाला रेडी हो चुका है जो टमाटर के तौर पे। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, ये देख रहे हैं मैंने बॉइल करके रखा हुआ था मटर, देख रहे ना। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और दोस्तों मटन के साथ हम देख रहे हैं ये भी ऐड कर देंगे, दाल और लौकी ये दोनों को जो हमने बॉइल करके रखा था इसे भी हम ऐड कर लेंगे। और दोस्तों ये मटन दाल लौकी ये तीनों को मिला के थोड़ा अच्छा से इसको अच्छा से उबाल के पकाना है, तो हम लोग इसको उबाल के थोड़ा पका लेंगे। ये मटन दालचा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं, ये देख रहे हैं कोरिएंडर और मेंट का चॉप, मैंने दोनों साथ में मिला लिया है। तो ये देख रहे हैं कोरिएंडर मेंट का चॉप ऐड कर लेंगे। लास्ट में ऐड करेंगे ये है थोड़ा होममेड गरम मसाला पाउडर। और दोस्तों कैसा रहा हमारा ये दालचा का रेसिपी, मैं चाहूंगा आप लोग सेम ऐसे ही रेसिपी फॉलो करके अपना घर में भी बना सकते हैं। तो मैं हूं शेफ गोपाल, हमारे चैनल के नाम पे जोरदार लाइक हो जाए और मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा ये रेसिपी कैसा है। मैं चाहूंगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखे हमारा ये रेसिपी के बारे में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।